नमस्कार, मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान पर। इस बड़े क्षेत्र में आगामी 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। सोशल मीडिया से फैले बवाल के बाद फैसला। झालावाड़ में सोमवार शाम मामूली झगड़े के बाद सोशल मीडिया पर की गई कुछ पोस्ट के बाद ऐसा बवाल हुआ कि आगजनी कर दी गई। समाज कंटकों ने कई जगहों पर आग लगा दी और यहां तक कि पुलिस पर भी हमला बोल दिया, थाने पर पथराव कर दिया और कई पुलिस वालों में तोड़फोड़ भी हुई। देर रात को आज सवेरे तक पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लगातार फैल रही नफरत की आग को काबू करने के लिए आगामी 24 घंटे के लिए लगभग पूरे जिले में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। अफवाह और नफरत फैलाने वालों को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल चयमहला क्षेत्र में लकड़ी की एक टाल पर सोमवार शाम लकड़ी खरीदने गए एक युवक का विवाद टाल पर बैठे कुछ लोगों से हो गया। इस विवाद के बाद बदमाशों ने उस युवक को बुरी तरह से पीटा। इस मारपीट की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अन्नू, सलमान एवं फिरोज को थाने ले आई। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर गलत तरीके से फैला दी गई और उसके बाद बवाल हो गया। सैकड़ों की संख्या में तीनों युवकों को छुड़ाने के लिए लोग थाने आ पहुंचे और थाने पर हमला बोल दिया, पथराव कर दिया, कई पुलिस वाहनों के शीशे फोड़ दिए। साथ ही दो आरा मशीनों को आग के हवाले करने के साथ ही कई अन्य जगहों पर आग लगा दी। देर रात कई थानों का जाब्ता मौके पर लगाया गया। एसपी समेत लगभग सभी सीनियर अफसर देर रात मौके पर पहुंचे। पथराव और हमले में एक किसान नेता गंभीर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। आज सवेरे तक करीब 40 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मंगलवार देर रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ राजस्थान, जयपुर।